ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में अभी आज भारत ने पहले दिन 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले दिन भारत ने दो मेडल्स जीते हैं और दोनों ही वेटलिफ्टिंग में मेडल्स आए हैं भारत के लिए। पहला मेडल सिल्वर आया है और दूसरा आया है मीराबाई चानू का, जो अभी अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जिन्हें मिला है। और ये एक चीज़ जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, दो मेडल जिस इवेंट से आज भारत को प्राप्त हुए हैं, उसके पीछे की कहानी बताने के लिए हम लोग आपको यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ओम जी। ओम जी, स्वागत है आपका। ओम जी, अभी अभी हम लोग कवर कर रहे थे इवेंट को और एक बहुत अजीबोगरीब बात सुनने में आई कि जिस इवेंट में पहले दिन भारत ने दो मेडल जीते हैं उसका फिजियो प्लेयर्स को अवेलेबल नहीं है। ये बहुत, ये तो आश्चर्य की बात हो रही है और थोड़ा विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मीराबाई आज ने रियो से बहुत अच्छी है, वर्ल्ड कप में वो जीत के आ रही है और हम 2020 की बात कर रहे हैं, सरकार 2020 की बात कर रही है। उनको ट्रेनिंग के लिए अगर फिजियो नहीं मिल रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे हैं तो असंभव जैसी बात है। और कुछ अभी लोगों से जब जानकारी मालूम ऐसी पड़ी कि फिजियो को यहाँ पे एंट्री नहीं है आईओ से, जबकि उनके परिवार के लोग और बच्चे यहाँ पे आके उनके साथ रह रहे हैं, तो बड़े आश्चर्य। देखिए, ये बहुत अजीबोगरीब बात है। जब कहानी घूम फिर के आईओए पे आती है तो वन मैन आर्मी की तरीके से जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चल रही है, उसके बावजूद उनके घर परिवार का हर व्यक्ति वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में विलेज में उपलब्ध है, उसके अंदर उनको एंट्री दी जा रही है, बावजूद उसके जो खिलाड़ी खेलने के लिए देश के लिए यहाँ पर आए हैं उनको आप फिजियो नहीं उपलब्ध करा रहे, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर लेकर आ रहे हैं। मैं तो यहाँ तक एक ऑफिसर से सुना है कि 1 तारीख को वो यहाँ पर लैंड किए और उनके पास रहने को जगह नहीं, होटल नहीं और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको एंट्री जो है वहाँ मीडिया का तो कुछ कोटा फिक्स है विलेज में, तो उनको जगह नहीं मिली। पर तो कैसे रेस्ट करेंगे, कैसे व्याप्त करेंगे, उनको समझ के बाहर। भारत के शेफ द मिशन ने भी हमें बताया कि हम लोगों के 5 जनों का कोटा था, 1 जने को हमने सब्स्टिट्यूट, 1 जने को हटाकर दूसरे की एंट्री कराने को बोला। कहते हटाने के लिए तो इन्होंने 1 सेकंड लगाया, लेकिन जो दूसरे को एंट्री देना था उसको आज तक कोई एंट्री उन्होंने नहीं दिया। इतना तक कहा कि हम उसका पूरा एक्सपेंस भी हम उठाएंगे। एग्जैक्टली, कोई हमको सरकार से कोई उसकी एक्सपेंस जरूरत नहीं। इतना होने के बावजूद अगर फिजियो नहीं आता है, ये बहुत सरल। इसके बारे में आपके लिए, आपकी समझ से जवाबदेही खेल मंत्रालय या खेल मंत्री की? बिल्कुल सीधे बिल्कुल खेल मंत्रालय की इसके अंदर जवाबदारी है, क्योंकि उनको देखना चाहिए। और मज़े की बात ये है कि आज हमारे खेल मंत्री इतने अच्छे हैं कि उनको पूरे खेल की नॉलेज है, ये सब उस उनके नॉलेज के बावजूद नहीं हो रहा है। जबकि हमारा खेल मंत्री खुद एक ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी, उनके फैन है भाई, हमको उनको देखें, उनको मेडल इतनी इतनी बड़ी घटना इन सब चीज़ों के बावजूद अगर जिस देश में हो रही है, तो अगर ये मंत्री कोई खिलाड़ी ना होता तो सोच सकते हैं कि किस कदर हमारी टीम यहाँ पर आतुर। और जब मेडल जब जीत जाते हैं तो उसके बाद सब पहुँच जाते हैं, और मिलने के लिए भी, श्रेय लेने के श्रेय लेने के लिए, अदरवाइज भी तो एक आदमी यहाँ दिखता नहीं कि कौन है कि नहीं। बिल्कुल, आज मेडल मिला तो सब एकदम हाजिर हैं पूरे के पूरे, अदरवाइज गेम चालू हो जहाँ मेडल मिलना है कम से कम वहाँ पे उपस्थित रहे, परिवार उपस्थित रहे, मज़ा आता है। वाकई दुख होता है इतनी बड़ी घड़ी में जब आप खिलाड़ियों के साथ उनके वो पल साझा कर रहे होते हैं। मीराबाई चानू ने हमें अभी कुछ पल की बात है कि उसने कहा, मीराबाई चानू ने ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद, कि रियो ओलंपिक के बाद मैं खेलों को छोड़ देना चाहती थी, खेल छोड़ देना चाहती थी, और उसके बाद आज गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब उसका दिमाग टटोला गया हम पत्रकारों के द्वारा, तो उसने कहा अभी मुझे एशियन गेम्स भी खेलना है, जो टोक्यो 2020 भी खेलना है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड आज तोड़े हैं यहाँ पर इस इंडोर स्टेडियम में, यहाँ पर गोल्ड कोस्ट में। तो इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद जब एक छोटे तबके से निकल के आया हुआ खिलाड़ी इतने बड़े स्टेज पे अच्छा प्रदर्शन करता है, देश का नाम रोशन करता है, जहां आपके देश का झंडा नंबर 1 पोजीशन पर ऊपर लहराता है, आपके देश का राष्ट्रीय गान चलता है, तो सीना गर्व से चौड़ा होता है, कहना हमारा प्रधानमंत्री जी की भाषा में कि 56 इंच का चौड़ा लोगों को दिखाने का जी करता है। लेकिन इन सभी संदेश और आशंकाओं के पीछे की जो खबर है कि इन खिलाड़ियों को भरपूर पोषण, भरपूर पालना नहीं मिल पा रही है, वो एक बड़ी दुखद है। और हम लोग आशा करेंगे कि आने वाले समय में इन खिलाड़ियों की जो भी
व्यक्तिगत या जो प्रोफेशनल जहां ये खेल रहे हैं उसके लिए जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी शक और शंकाएं हैं, वो जल्द से जल्द दूर हों। बहुत बहुत धन्यवाद।